सपा बसपा नेता ने मिलकर मनाया बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन। बसपा सुप्रीमो को पीएम बनने के लिए ठोकी ताल। 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 63वां जन्मदिन कलेक्ट्रेट के पास मनाया गया। इस मौके पर सपा बसपा पार्टी के नेता दो दशक के बाद एक मंच पर दिखे। इस मौके पर मौजूद थे अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर, जलालपुर विधायक रितेश पांडे, पूर्व सांसद राकेश पांडे, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, टांडा विधानसभा प्रभारी मनोज वर्मा, जिला पंचायत सदस्य साधु वर्मा, बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम शिरोमणि वर्मा, जाहिद अब्बास, पूर्व बसपा नेता जरगाम मेहंदी के पुत्र आरिफ हसन, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे। सपा जिला अध्यक्ष हीरा लाल यादव, पूर्व मंत्री शंख लाल मांझी, टांडा के पूर्व विधायक हाजी अजीमुल हक पहलवान, पूर्व मंत्री कठहरी के बसपा के विधायक और बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा होगा कि इस देश का अगली बार 26 जनवरी को, अगली बार 15 अगस्त को, 2019 के 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराने का काम बहन कुमारी मालती जी करें। ये हमें सौगात देने का काम है और यही बहन जी के जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जाने अनजाने हम लोगों से कोई गलतियां भी होती हो, जाने अनजाने हम लोगों के बीच में कोई वाद विवाद भी रहा हो, किसी तरह का आपस में मतभेद भी रहा हो, तो आज जरूरत है बहन जी का जन्मदिन मनाने आए हैं ना, आए हैं ना बहन जी का जन्मदिन मनाने। बहन जी के लंबी आयु की कामना करने आए हैं तो निश्चित रूप से सारी गलतियों को भुलाकर, सारे हम लोगों की गलतियों को क्षमा करते हुए आप लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम बहन जी को उपहार दे और आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की 80 की 80 सीटें गठबंधन को देकर बहन कुमारी मालती जी को देश का प्रधानमंत्री बनावे। यही आज का हमारा उपहार होगा, बहन जी के लिए सबसे बड़ा सौगात होगा। ऐसा आप सब लोगों से अपील करते हुए मैं पुनः आप सब लोगों को बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।